जय हिंद बच्चों। तो आज है 15 अगस्त यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। इंडिपेंडेंस का सेंस क्या होता है या इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है फ्रीडम। फ्रीडम किससे? ऑपरेशन से। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां से गए तब हमें ये लगा कि अब हम ऑप्रेस्ड नहीं। लेकिन अभी भी अगर हम अपनी सोसाइटी को देखेंगे तो सोसाइटी में बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी भी कोई ना कोई सेक्शन ऐसा जरूर है जिसमें हमें ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, चाहे वो कास्ट सिस्टम की वजह से हो, चाहे वो कैपिटलिज्म की वजह से। तो ब्रिटिशर्स के जाने से हम लोगों को पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली। हम लोगों को पूर्ण रूप से आजादी तब मिलेगी जब हम अपने समाज से इन कुरीतियों को हटा देंगे, जब हम अपनी सोसाइटी को एक इक्वालिटी की सोसाइटी बना देंगे और तब सोसाइटी का कोई भी सेक्शन ऑप्रेस्ड नहीं रह जाएगा। तो इस समय हमें अपने एक्सटर्नल फ्रीडम के बारे में नहीं, इंटरनल फ्रीडम के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिंस आई हैव विजिटेड टू मेनी कंट्रीज आई हैव सीन कि जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल रहा था या किसी भी तरीके का कॉलोनियल रूल रहा था, उन कंट्रीज में अभी उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलता है। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो इंडिया बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन अगर हम सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अभी भी इंडिया को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही इस देश का भविष्य हो, आप ही इस देश का फ्यूचर हो। इसी सोशल डेवलपमेंट में आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है और इसी तरीके से हम इंडिया को कम्प्लीटली फ्री बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। हाय एवरीबॉडी, आई एम रमेश सिंह फ्रॉम अनकैडमी। वेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। देयर आर मेनी अचीवमेंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी हैव, बट देयर आर मेनी एंड माइंस टू गो बिफोर वी रीच। The story is that India is on the verge of, you can say, kind of turning point. A country which used to be a typical third world country, now it is in the position of leadership. So, the things which are connected to masses, that is poverty, unemployment, civil services, public services, which are lacking over there in our society and in our daily life. Government looks basically committed on that front only. But on the other hand, we are basically trying to touch the sky also, moon also, and Mars also. And we believe that in coming times, the government will be able to commit to the delivery of the services and goods also. Thank you very much. कहते हैं अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता। अगर हम भारत में विविधता की बात करें तो न जाने कितनी सारी विविधता है, चाहे वो कस्टम, क्विजीन, कल्चर, क्लोथ, न जाने कितनी सारी विविधता है, पर इन विविधताओं को भी समेटे हुए भारत एक है। और भारत की आजादी की बात करें तो भारत तब तक आजाद नहीं हो पाया था जब तक हमारी ये चेतनाएं बिखरी हुई थी। कोई झांसी की रानी है जो कहती है झांसी नहीं दूंगी, कोई जमींदार है जो अपनी जमींदारी वापस लाने के लिए लड़ रहा है, कोई रईस है, कोई किसान है जो जमींदारों से संघर्ष कर रहा है। यानी ये चेतनाएं बिखरी हुई थी और चेतनाओं को एक किया महात्मा गांधी ने, जो बन के आए बाजीगर, जिन्होंने सारी चेतनाओं को एक कर दिया और अहिंसा के मार्ग पर ले जाकर भारत को आजादी दिलाई और सबसे यही कहा कि ये भारत हमारा है और इसलिए भारत में क्या चेतनाएं होंगी, भारत में क्या नीतियां होंगी, इसकी जो चर्चाएं हैं वो हम करेंगे। और एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन से सारा भारत एक हुआ और अंततः भारत को मिली आजादी। और जो हमारी भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ा भारत के वीरों ने और दिलाई हमें आजादी। इसलिए कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी के शब्दों में कहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या खूब कहा है कि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज हम स्वाधीनता का 78वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आओ 280 करोड़ हाथ मिलकर 15 अगस्त 2047 तक भारत की अहिंसक संकल्प यात्रा पर निकल पड़े और अपने अपने हिस्से का विकसित राष्ट्र बनाते चले, जिसमें व्यक्ति के लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लिए व्यक्ति प्रथम। आओ हम सब मिलकर समाज में स्त्री पुरुष के भेदभाव को मिटा दें, जिससे इस मिट्टी पर अपाला, गूसा, विश्वभारा जैसे राष्ट्र रत्न जन्म ले सकेंगे।
आओ भारत को शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए माँ सरस्वती के हर संतान को कागज एवं कलम थमा दें। हम आर्यभट्ट पुत्रों ने विज्ञान एवं तकनीकी में रुई से रॉकेट और सुई से सैटेलाइट तक की यात्रा कर ली है, लेकिन लंबी छलांग लगाने अभी बाकी है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारतीय, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा इंडिया जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जैसा कि हम कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले पानी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी हैव इंटैक्ट दिस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टुगेदर। इंडिया इज द लैंड ऑफ वैल्यूज ऑफ अशोकास धम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू धर्म, द सैक्रिफाइसेस ऑफ भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस विद द इंटैक्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अहिंसा ऑफ गांधी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे नॉट जस्ट टू कमेमोरेट द स्ट्रगल्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस, बट टू इंकरेज द यूथ, द citizens of India, to carry on the progress that we have made in the 77 years. So India is leading the way for the world as it has turned the 77 year old. So our independence is not fruitful if we are not the proud citizens of India. Thank you. भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को जहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं और एक समाज के द्वारा नहीं, जबकि सभी धर्मों और सभी समाज के लोगों के द्वारा दी गई थी, उसी तरीके से 2024 से जो हमारा अमृतकाल चल रहा है, जिसे 2047 में हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को मिल करके इस भारत देश को विकसित बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। 78 इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज अंग्रेजों से छीनी हुई आजादी को हमें 78 वर्ष हो गए हैं, परंतु ऐसे कई मामले हैं जिनमें हमारा देश आज भी गुलाम है। ऐसी ही एक गुलामी है अशिक्षा की। यूं तो आजादी के पहले व उसके उपरांत भी भारत को एक शिक्षित देश बनाने के कई प्रयास किए गए, परंतु आज भी हमारे देश का एक बड़ा तबका अशिक्षित है। तो आइए आजादी की 78वीं वर्षगांठ पे हम एक संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में हम अपने देश को एक शिक्षित व साक्षर देश बनाएंगे, ताकि आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक जो हमारा सपना है भारत को एक स्वर्णिम देश बनाने का, वह पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत। आजादी, आजादी क्या है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने है कि आज के समय में हमसे आजादी के बारे में पूछा जा रहा है। आजादी क्या है? आजादी मेरी और आपकी विचारधारा नहीं है, 135 करोड़ व्यक्तियों के अर्थ है, उनके विचारों की स्वच्छता है आजादी। जहाँ पे टूटी चप्पल पहनने वाले और स्टैंडर्ड जूते पहनने वालों के बीच के फासले कम हो जाए, वो है आजादी। जहाँ पर एक खाली कुटिया में रहने वाले और महलों के बीच में रहने वालों के फासले कम हो जाए, वो है आजादी। जहाँ पर मैं और आप एक खाली सुनसान सड़कों पे चल सके और हमारे ऊपर कोई पाबंदी ना हो, वो है आजादी। थैंक यू। आजादी के इन 78 सालों में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, या खेलकूद में हो, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, मगर इसके अलावा भी बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने बाकी हैं जिनको हमें फेस करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अभी वक्त है 15 अगस्त का, तो सेलिब्रेट करिए और दुगने जोश के साथ आगे बढ़िए। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अन एकेडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। अन एकेडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। As Bhagat Singh has said, it is very easy to kill an individual, but you cannot kill the ideals. So we are though independent politically, socially, economically, but the greatest independence is when you are independent with your ideals. So the greatest independence is that we are independent with the ideals. It's time to commitment our making our nation better for equality, freedom and justice. Let's improve the society and future of India. Freedom is the most important element for an individual's growth. Our freedom fighter has attained it on 15th of August 1947 and since then we are trying to just make it as remarkable as possible. Our freedom fighters have worked upon this through the Constituent Assembly and framed a constitution having fundamental rights, DPSPs and various other things. We welcome the 78th year of independence with the garland of the Kartavya Path. We are the Kartavya Yogi, tracing the path of Karma Yogi,
while inculcating in us the freedom fighters' essence. भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था. क्या हम सही मायने में आजाद हो गए हैं? हम तब तक सही मायने में आजाद नहीं हो सकते जब तक हम अपने नेताओं को लीडर को सही नहीं चुनेंगे, क्योंकि पहले हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे, अभी ये सफेद कुर्ते वाले अंग्रेज शासन कर रहे हैं. और वोट जाने से वोट देने से पहले हमको ये देखना चाहिए, हम रिश्तेदार नहीं चुनने जा रहे हैं जो कास्ट रीजन पे जाएं, हम नेता चुनने जा रहे हैं जो हम पे राज करेगा, और तभी हम उसको हम उसकी शिक्षा के आधार पे चुन सकते हैं और उसके नॉलेज के आधार पे चुन सकते हैं, ना कि उसको कास्ट रीजन पे चुन सकते हैं. फॉर यूथ इंडिपेंडेंस मीन्स पर्सुइंग देयर एजुकेशन करियर एंड पर्सनल गोल्स विदाउट कंस्ट्रेंट्स एंड टू contribute in nation's progress. Jai Hind. ये आजाद तो हो चुके हैं, मगर एक चीज शायद हम लोगों में आजकल मिसिंग दिखती है, जो ये है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सर्वोदय की संकल्पना को आगे बढ़ाने का सोचा था, आज सरकार उस पर काम भी कर रही है. और जहाँ पर एक तरफ हम कौशल विकास योजना ऐसे सब चला के नागरिकों को कौशल दे रहे हैं, वहीं हम ग्राम स्तर पर भी जाके सशक्तिकरण कर रहे हैं और अनेक प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं. द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 1857 एंड वी were able to attain independence in 1947. It is the hard work of our leaders, and they have made people collectively stronger, and they have provided Muslim and Hindu unity so that we can get this freedom from the British rule. India is not one people, India is not one group, India is not one ideology, but India resides in each and every one of us, and we, the people of India, have to propel this nation forward. And as we propel this nation forward, we expect our successors to do the same. आप सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से Happy Independence Day. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत.